कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम समायरा है और मैं आज आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ। क्या आपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि एक महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये एक महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हमारे देश में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक विशेष कानून है। इस कानून को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के रूप में जाना जाता है। चूंकि इसे 2013 में लागू किया गया था, इसलिए ये पौश अधिनियम 2013 या पौश अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी संगठनों के सभी कर्मचारियों को पौश अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए अगले 15 मिनटों में मैं आपको पौश अधिनियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, जैसे कि यौन उत्पीड़न क्या है, कार्यस्थल क्या है, कर्मचारी कौन होता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रकार और रूप क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर द्वारा उठाए गए कदम, पीड़ित महिला कौन है, पौश अधिनियम के तहत पीड़ित महिला के लिए उपलब्ध शिकायत की प्रक्रिया और इस वीडियो के अंत में हम झूठी शिकायतों और उनके परिणाम के बारे में भी जानेंगे। आइए कारखाने के एक परिदृश्य पर नजर डालते हैं। राधा और अशोक एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी के पैकेजिंग डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। अरे राधा, आज तो तुम एकदम मस्त लग रही हो। ये यूनिफॉर्म पूरी तरह से तुम्हारी सुडोल फिगर को जच रही है। सुनो राधा, क्या तुम आज शाम शिफ्ट के बाद मुझसे मिल सकती हो? हम दोनों साथ में खूब मजे करेंगे। अशोक, मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना काम करने दो। कुछ दिनों के बाद एक दिन अशोक फैक्ट्री के गेट पर राधा से मिलता है। राधा, मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्यों तुम मुझे अनदेखा कर रही हो? राधा, मुझे एक मौका दो, क्या हम आज रात फिल्म देखने जा सकते हैं? अशोक, मुझे परेशान मत करो, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। क्या आपने देखा कि अशोक लगातार राधा का पीछा करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि राधा को अशोक का आचरण आपत्तिजनक लगा। तो क्या ये यौन उत्पीड़न का मामला है? हाँ, है। कार्यस्थल पर यौन उत्तेजक टिप्पणियां करना या किसी महिला सहकर्मी द्वारा मना किए जाने के बावजूद उसे कार्यस्थल के बाहर मिलने की मांग करना भी यौन उत्पीड़न माना जाता है। ऐसे में राधा पौश अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है, जिसके चलते अशोक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। याद रखें, पौश अधिनियम सभी महिलाओं को कार्यस्थल पर हर एक प्रकार के यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए है। तो आइए ये समझने से शुरू करें कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का क्या अर्थ है।